एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अमेरिका में रेस्टोरेंट की चिमनी में फंस गया शख्स, दो दिन बाद निकल गया सुरक्षित। साइबर ठगों ने बुजुर्ग को लगाया लाखों का चूना, शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका में एक बंद पड़े चाइनीज रेस्टोरेंट की चिमनी में फंसे एक शख्स को दो दिन बाद सुरक्षित निकाल लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है शख्स पूरी तरह से ग्रीस और तेल से सना हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक चोर बंद पड़े व्यावसायिक स्थलों से कॉपर वायर आदि चुराते हैं और पैसों के लिए उन्हें रिसाइकल करते हैं। राजधानी नई दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता दिख रहा है। एक बार फिर साइबर ठगों ने बिजली विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी को अपना निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि पत्नी को ब्रेन हैमरेज होने से कर्मचारी पहले से ही काफी परेशान चल रहा था। अब उसके पास पत्नी का उपचार कराने के रुपए भी नहीं बचे हैं। नई दिल्ली के पश्चिमी जिले के राजौरी गार्डन इलाके में एक 25 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव देखने के लिए आईजी प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।